हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप सभी के लिए न्यू वीडियो हमारे पास लेके आए। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पे है, यहाँ पर ये आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट है जारी हुआ है। आज उसी के बारे में आपसे बात करूँगा, आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपका एप्लीकेशन फी कितना होगा, सब कुछ वीडियो में बोल देंगे। आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो से जुड़िए और 24/7 जॉब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल एडिटिंग से जुड़ रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पर सर, देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर आपका जो अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट जारी हुआ है, जो 1916 के द्वारा यहाँ पर ही आपका रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं, आपको पहले तो आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा। डेट भी आपको आपको डेट भी शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2026 जो आपका जुलाई है, 2026 जुलाई आपका जो लास्ट डेट से जो आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो विजिटिंग वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाके आपको सब कुछ देखना होगा, क्या क्या आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वहाँ से आप लोग ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे भी दिया है पर देखते हैं। नीचे तो आपका जो नीचे है आपका, आप देख सकते हैं आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कितने से शुरू हुआ है। आपका 27 जून से स्टार्ट हो गया है और 26 जुलाई आपका जो आपका लास्ट डेट थे। सो इसी डेट से पहले ही आपको, लास्ट से पहले आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। चलिए भाई नीचे देखते हैं क्या क्या आपको पोस्ट आपको दिया है। पहले तो जो यहाँ पर जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है, पर देख सकते हैं आपका जो कारपेंटर है, कारपेंटर में देख सकते हैं आपका जो 37 आपको यहाँ पर पोस्ट निकला है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स आई टी आई है, जो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी ITI यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर उनके भी लिए देख सकते हैं, उनके लिए 50 पोस्ट है टोटल मिला के। टोटल यहाँ एक्स आई टी आई का 50 है और फ्रेशर्स कैंडिडेट का 37 पोस्ट है यहाँ पर आपको। उसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मतलब 32 पोस्ट है और SITI का 100 पोस्ट आपको जारी हो गया है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको जो फिटर पोस्ट है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ 3 पोस्ट है जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर फिटर के लिए सॉरी यहाँ पर फिटर के लिए यहाँ पर 65 पोस्ट है और यहाँ पर जो SITI है उनके लिए यहाँ पर 143 आपको पोस्ट को निकला है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट भी आपको देख सकते हैं आपको 34 पोस्ट है आपका यहाँ पर। उसके बाद जो SITI है उनके भी लिए 29 आपको पोस्ट यहाँ पर निकला है। उसके बाद आ गया आपका जो पेंटर में भी आप देख सकते हैं आपका टोटल आपका 33 पोस्ट को निकला है और SITI में आपको 50 पोस्ट को निकला है। उसके बाद आ गया जो वेल्डर, वेल्डर में भी आपका 70 पोस्ट पर निकला है और SITI में 170 पोस्ट, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट को निकला है जो यहाँ पर SITI है उनके नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मिला के जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है, सब कुछ आपको ट्रेड वाइज मिला के आपको 276 के पोस्ट निकला है और जहाँ पर जो SITI है उनके यहाँ पर 600 पोस्ट उनके लिए निकला निकला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कैंडिडेट बिलोंग SC ST OBC ये सारे इंक्लूड, दिस इज सर्टिफिकेट, दिस इज यू आर ओनली विदाउट एज लिमिट, सर आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद आगे आपका जो कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन वाइस इंजीनियर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स कंप्लीटेड एक्ट आप में अप्रेंटिसशिप नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कर लिया है उनके उन लोग यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। क्योंकि बोल दिया आपका जो द नोटिफिकेशन प्योरली गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, सभी को ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए अगर इन केस एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स में भी कॉन्टेक्ट नंबर से आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट होता है तो, ठीक है। और ना वीक डेज ऑफ दिस सर्विस लेकर फिर 12 बजे तक उनको आपको सैटरडे उनको कॉल करना होगा, ठीक है। पर दे दिया आपको एलिजिबिलिटी फॉर दिस जो PW पर जो तो बैचलर उनके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो आपका जो कितना आपका जो फिटर जो आपका जो ट्रेड वाइज कितना यहाँ पर आपका जो डिसेबिलिटी काउंट आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेबल आपको दिया है, आप लोग यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जो ब्लाइंडनेस है, जो लो विजन है, हियरिंग इम्प्लीमेंट है जो यहाँ पर होता है। उसके बाद जो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आप देख सकते हैं आपका जो जारी होगा सोर्स ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप, द रेलवे बोर्ड दिस लेटर, देख सकते हैं जो नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसके बाद आपका SC ST ऑर्गेनाइजेशन ITI वेयर एग्जिस्टिंग द वार्ड ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज, द एप्लीकेशन दी द रजिस्टर विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एलोंग आर एलिजिबल टू अप्लाई।
पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर पहली बताते हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु एलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई, सिर्फ वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। पर बोल दे आपका जो नॉट अप्लाई व्हाट इज रेलवे एम्प्लॉय जिस टाइम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट कॉपी आइडेंटिटी कार्ड एंड सर्विस सर्टिफिकेट, रेलवे एम्प्लॉय शुड बी अटेस्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफिसर रेलवे एम्प्लॉय वाज वर्किंग, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जो एज लिमिट क्राइटेरिया, देख सकते हैं आपको 15 साल से लेकर 24 ईयर्स तक उनको यहाँ पर एज लिमिट क्राइटेरिया उनको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का एज लिमिट अपार एज लिमिट छूट मिलेगा और एससी को 5 साल का छूट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है सही, ठीक है आपका। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी उनके लिए 10 साल तक उनको एज लिमिट उनके पास छूट मिलेगा। उसके बाद आ गया आपका जो देख सकते जो एक्स आई टी आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स आई टी आई को जो फीडर आपका आ गया इलेक्ट्रिशियन आ गया मशीनिस्ट आ गया, यहाँ पर आपको शूट आपको 10th पास आउट होना होगा, मिनिमम 50% मार्क्स रखना होगा आपका, विद साइंस मैथ्स अंदर 12th पास आउट और विद 12th पास आउट एंड द प्रोसेस ऑल्सो दैन आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिस उनको एनसीबीटी और एससीबी द्वारा उसको कंप्लीट करना होगा फॉर द 1 ईयर। पीरियड ट्रेनिंग आपको 1 साल में आपको ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आएगा जो कारपेंटर पेंटर और वेल्डर हो गया, आपको 10th पास आउट होना होगा विद जो मार्क्स अंडर 12th पास आउट उस भी ऑल्सो दिस प्रोसेस इस जो आपको एनसीबीटी और एससीबी द्वारा आपको 1 साल आपको कंप्लीट करना होगा। आईटीआई यहाँ पर भी आप सिर्फ 1 ही साल का जारी हो गया। उसके बाद आ गया आपका जो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन है, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं आपका के मांग के साथ आपको ऑल्सो दी स्टेट सर्टिफिकेट और देट और द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यहाँ पर भी आपको एनसीबीटी एससीबी द्वारा कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, पर दिखते हैं स्टेट कौन सा वोकेशनल आपको हो गया 1 साल का ट्रेनिंग आपका 1 साल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद आप देख सकते हैं जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है उनके लिए जारी हुआ है, जो फिटर है जो इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट है उनको यहाँ पर 10% होने का मिनिमम मतलब सात है विद साइंस मैथमेटिक्स अंडर 12 पास आउट और इक्यू इक्यू पर पर ट्रेनिंग ऑफ पीरियड उनका 2 साल तक रहेगा। उसके बाद जो कारपेंटर पेंटर है यहाँ पर भी आपको 10 पास आउट और 50% और अंडर 12 पास आउट उनको कोई भी सब्जेक्ट से उनको यहाँ पर करना होगा, तो वो 2 साल तक उनको करना होगा। उसका जो वेल्डर है यहाँ पर भी आपको 10 पास आउट और 50% साथ उनको उनको अंडर 12 पास आउट उनको होना होगा, उनका ट्रेनिंग 1 या 3 मंथ उनको यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपको दे दिया है द दोस ऑफ हु द विलफुली एब्सेंट डिमसेल द लेवल रिफंड विल बी दोस कॉस्ट देयर ट्रेनिंग एज अमाउंट पेड स्टाइपेंड डिटरमाइन द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, ठीक है। आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा जो पर फ्रेशर्स कैंडिडेट से जो स्कूल पास आउट है क्लास 10 दोनों को 6,000 पर मंथ मिलेगा, उसका जो फ्रेशर से जो 12th पास आउट है उनके लिए 7,000 रुपीज मिलेगा, जो एक्स आई टी आई है जो एनसीबीटी एससीबी द्वारा होल्डर है उनको भी अबाउट 7,000 रुपीज पर मंथ उनको उनको मिलता है। तो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी द इंक्रीज द 10% प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टाइपेंड पर 15% इंक्रीज द प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट ड्यूरिंग द थर्ड ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो इनके जो का जो नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर पीरियड ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडर गोन हिम बाय टेकन इनटू अकाउंट पार्ट पोस्ट डिवेन द मिनिमम पेबल और रेट ऑफ स्टाइपेंड, आप अप्लाई द आप इट्स वेबसाइट जाके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया, आपको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ऐप पर देख सकते हैं आप लोग क्या क्या आपको नोटिस जारी हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा सब कुछ आपको ठीक से पर वेरीफाई करके आपको देना होगा। अब प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पर 100 रुपीज देना होगा, प्लस आपको सर्विस चार्ज भी लगेगा जो यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल पैसा रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो SC ST PW उनको पर कुछ पैसा उनको नहीं देना होगा, उनके लिए बस फ्री है। सो यहाँ पर जनरल और OBC को उनको पैसा देना होगा का यहाँ पर हो गया है। उसके बाद भी देख सकते हैं आपका प्रोसेसिंग फी पेमेंट इंस्ट्रक्शन आधार डिस्ट्रीब्यूटिव के द्वारा उनको भी देना होगा कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दिन बाद आपको एडमिट टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, ये भी आपको नोटिस दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेशन नंबर दे दिया, नंबर से आप SMS कम्युनिकेशन द्वारा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको दे दिया है ईमेल विल बी सेंड बाय एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, यहाँ पर आप से बातचीत कर सकते हैं, आपका जो ईमेल आईडी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। मोड एंगेजमेंट द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स एज स्टैंडर्ड बाय 10, आपको 10 के मार्क्स के अलावा उसके यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट आपको करवा जाएगा, ठीक है।
ये तो आपका हो गया। उसमें आपका जो स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस हो गया, मेडिकल जो आपका एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद भी आप अपन देख सकते हैं आपका जो ट्रांसफर, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा, जो स्टूडेंट नंबर 10 आपका जो 10th 11th 12th जो ITI हो गया उनके ऊपर देना होगा, ठीक है। उनको वो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ आपके वेरीफाई करके आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको होगा, जो सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल जो रेलवे पे वेपर से रेलवे हॉस्पिटल कुछ भी हॉस्पिटल से आपको आपको करवाना होगा चेकअप, ठीक है। तो उसके बाद भी आप अपन नीचे देख सकते हैं आपका जो जारी हो गया है, आपका जो डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा, एक डिक्लेरेशन हो गया आपका। उसके बाद आपको एक आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पर बोला जाएगा आपका जो आपको नो एम्प्लॉयमेंट फॉर गारंटी फॉर द अप्रेंटिसशिप, नो कॉम्पिटिशन फॉर दैट ट्रेनर ट्रेनिंग, ठीक है। सब कुछ करके आपको यहाँ पर दे देना होगा, आपका हो गया। चलिए, तो PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो दूसरे साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे इस चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देखते। चलिए, मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट लक, सब लोग ध्यान से कॉम्प्लीट कर देना। चलिए, बाय।